वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी। मैं आज आपको 12 जुलाई की करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने COVID-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर लंबी हर्बल रोड का निर्माण किया जाएगा, यानी ये सड़क के दोनों ओर ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जो कि औषधि प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ था और उत्तर प्रदेश भारत में पहला राज्य बन गया है जिसने जियो टैग कम्युनिटी किचन की स्थापना की और इसने यह स्थापना गूगल के साथ मिलकर की है। उत्तर प्रदेश में अब जो सुनवाई होगी वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, यानी उत्तर प्रदेश में अब वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई होगी और यह ऐसा करने वाला भारत में पहला राज्य बन गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में भारत की बटालियन है, उसने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। UNIFIL का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लबानन है। भारतीय बटालियन ने प्लास्टिक को पुनः उपयोग में लाकर इस पुरस्कार को जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो हरियाणा की सरकार है उसने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी दी है, यानी जो 50,000 रुपए से कम के नौकरी वाले क्षेत्र हैं उसमें जो स्थानीय लोग हैं यानी हरियाणा के लोगों के लिए 50,000 के नीचे के जितनी भी नौकरियां हैं उन्हें रिजर्व कर दिया गया है, जबकि जो 50,000 से अधिक की नौकरियां हैं उन्हें इसके लिए रिजर्व नहीं किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के जो राज्यपाल है यानी गवर्नर का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। हरियाणा में हेल्प मी ऐप लॉन्च हुआ है। हरियाणा में योगशाला खोलने की घोषणा की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो
हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया है और इस को मनाने का उद्देश्य लोगों में जनसंख्या के प्रति जागरूकता दिलाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 जुलाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जम्मू कश्मीर। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले हैमिस नेशनल पार्क था, लेकिन अब यह हैमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ा देने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने इंडोनेशिया के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडोनेशिया। इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वह इंडोनेशियन रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम जोको विडोडो है। जकार्ता में आसियान का हेड क्वार्टर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक राज्य के साथ कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम बीएस येदुरप्पा है। कर्नाटक के राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम बाजू भाई वाला है। कर्नाटक में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा हुई थी। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का आरंभ हुआ है। यह प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए है। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नोट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2030 तक नोट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2030। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। भारत के रेल मंत्री का नाम पीयूष गोयल है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम जॉन मथाई था। भारतीय रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और भारतीय रेलवे एशिया में प्रथम स्थान पर है, जबकि विश्व में दूसरे स्थान पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो
हाल ही में जो विराट कोहली हैं भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विराट कोहली। अब ये शिकायत क्यों दर्ज की गई है? इस शिकायत को दर्ज करने का कारण यह है कि विराट कोहली ने दो कंपनियों में डायरेक्टर बने हैं, जबकि वे केवल एक ही कंपनी पे डायरेक्टर रह सकते थे, जिसके कारण उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विराट कोहली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेज़ोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो हाल ही में इसरो ने ब्राजील देश के अमेज़ोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राजील। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इस उपग्रह का कारण अमेज़न की जंगलों में अवैध कटाई को रोकना है। इसरो इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो के अध्यक्ष का नाम के सिवान है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील की मुद्रा यानी करेंसी ब्राजीलियन रियल है। इसी के साथ आपकी वीडियो ही फिनिश होती है। अगर आपके लिए यह वीडियो यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।